नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर हम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड आप लोगों को टिप्स वगैरह देते रहते हैं, तो इन्हीं टिप्स में से एक है कि जैसे डेयरी फार्मिंग हमारी सक्सेस जब होती है जब हम अपने घर की ब्रीड तैयार करते हैं, वैसे ही हमने भी हमारे घर की ब्रीड रखना स्टार्ट कर दी है, मतलब तैयार होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमने सोचा कि आपको कुछ इन्हीं के बारे में टिप्स दी जाए कि एक बछड़ी को तैयार करने में एक फार्मर को कितना खर्चा लगता है। सबसे पहले तो यदि डेयरी फार्मिंग को आप सक्सेसफुल तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको जो है अपने घर की ब्रीड तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम मार्केट में एक गाय खरीदने जाते हैं, अगर 20 लीटर की गाय हम खरीदने जाएंगे तो हमें कम से कम 65-70 हज़ार रुपये की वो मिलेगी। पर वो 65-70 हज़ार की जब गाय हम खरीद कर लाएंगे तो आते से वो उतना दूध नहीं दे पाती है। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ का वातावरण भी सूट नहीं कर पाती है, बीमार हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 20 लीटर बोल के हम खरीद कर लाते हैं और वो यहाँ आकर 10 से 12 लीटर ही दूध दे पाती है, तो उसमें हम डेयरी फार्मर्स का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारा पैसा भी लग गया, उसके बाद हमें जो एनिमल मिला है वो भी ख़राब निकला। तो इन सब रिस्कों को देखते हुए इससे अच्छा है कि हम हमारे फार्म पर ही बछड़ियाँ तैयार करें। बछड़ियाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक अच्छी गाय का चयन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक अच्छी गाय का चयन नहीं करेंगे, उसमें एक अच्छा सीमन नहीं लगवाएंगे, तब तक आप एक अच्छी ब्रीड तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप एक 7-8 लीटर पर डे की गाय को अच्छा सीमन लगवाते हैं तो आगे चलकर अगर वो बछड़ी देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 से 12 लीटर दूध देगी। पर यही यदि आप अगर एक 20 से 25 लीटर की गाय को अच्छा सीमन लगवा देते हैं तो आगे चल के वो बछड़ी आपको 25 से प्लस दूध देगी, तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। क्योंकि कम दूध का एनिमल यदि आप रखते हैं तो आपको खिलाई का खर्चा तो उतना ही है, रख रखाव भी वैसे ही करना पड़ेगा, पर यहाँ पर वो दूध की क्वांटिटी कम देगा तो वहाँ पर हमें जो है कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक अच्छी गाय का हम चयन करें, उसमें एक अच्छा सीमन लगवाएं, उसके बाद बछड़ी आती है तो हमें जो है प्रॉपर केयर करनी है। अब प्रॉपर केयर उसकी माँ के पेट से आप स्टार्ट कर दीजिए, उसका अच्छा खान पान उसकी माँ का रखिए, प्रॉपर डीवार्मिंग करिए टाइम टू टाइम, कैल्शियम मिनरल्स चलने दीजिए जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हो तब। उसके बाद जब बछड़ी जब पैदा हो जाती है उसके बाद से जो है आपको पैसे का मुंह नहीं देखना है, जब आप बछड़ी अगर ये ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं तो, क्योंकि पैसे से तो आपको बाहर से भी बछड़ी मिल जाएगी, पर जो बछड़ी आपके घर पे जो तैयार होगी उसमें और जो बाहर से लाई हुई बछड़ी में बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको पैसे का मुँह नहीं देखना है, पैदा होने के बाद से कम 3 महीने तक आपको जो है बछड़ी को पर डे का कम से कम 6 लीटर दूध पिलाना ही पिलाना है। यदि आप इतना दूध पिला देते हैं तो आपकी बछड़ी बहुत स्पीड से बड़ी होगी। 6 लीटर दूध यदि हम जोड़ते हैं, अगर 1 लीटर दूध हम 35 रुपये का भी भाव से जोड़ते हैं तो हमारा 5 से 6 लीटर पर डे का दूध हम 200 रुपये जोड़ते हैं, तो 200 रुपये पर डे का हमें 3 महीने तक अपनी बछड़ी को दूध ज़रूर से पिलाना है। मतलब 3 महीने तक जो है हमारी बछड़ी 18,000 रुपये पिलेगी 3 महीने तक। उन 3 महीनों में जब हम उसे दूध पिला रहे हैं तो दूध के साथ साथ हमें जो है उसके बर्तन में एक फीड, थोड़ी बहुत जो काफ़ स्टार्टर होती है वो फीड हमें रखनी स्टार्ट कर देनी है, ताकि दूध के साथ साथ जो है वो काफ स्टार्टर भी खाने लग जाए। अब स्टार्टिंग में तो हमें काफ स्टार्टर का कोई इतना खर्चा नहीं आएगा, पर जैसे ही आपकी बछड़ी 3 महीने की होती है, आप जैसे जैसे उसका दूध कम करते हैं आपको फीड बढ़ानी पड़ेगी। फीड बढ़ाएंगे तो फीड का फिर धीरे धीरे हमें खर्चा बढ़ता जाएगा। जैसे कि एक बछड़ी को हम यदि जब 3 महीने बाद से, पहले तो हम 250 ग्राम, फिर आधा किलो, फिर 1 किलो ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो हम मिनिमम जो है एक बछड़ी का हम पर डे का 3 किलो फीड जोड़ते हैं। फीड भी हम अच्छी कंपनी का जोड़ते हैं जो कि हमें 30 से 35 रुपये किलो का पड़ेगा। तो यदि हम 3 किलो पर डे की फीड बछड़ी की जोड़ते हैं तो 35 रुपये के हिसाब से 105 रुपये पर डे की फीड हो गई। अब हम
मान लीजिए 100 रुपये की फीड जोड़ लीजिए या 105 रुपये की फीड हमने जोड़ ली। अब इसमें हमें 5 रुपये पर डे का मिनरल मिक्सर का भी खर्चा जोड़ना है, क्योंकि यदि आप मिनरल मिक्सर नहीं खिलाएंगे तो वहाँ पर आप पीछे हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे कि आपकी बछड़ी ग्रोथ पे तो होगी पर आप मिनरल्स नहीं खिलाएंगे तो उसकी बच्चेदानी विकसित नहीं होगी, और बच्चेदानी विकसित नहीं होगी तो वो फीड तो खाएगी, फीड का खर्चा भी आपको लग रहा है, पर वो प्रॉपर हिट पे नहीं आएगी। जहाँ उस बछड़ी को प्रॉपर 12 से 15 महीने के बीच में हिट पे आ जाना चाहिए और कंसीव कर लेना चाहिए, तो मिनरल मिक्सर की कमी के कारण और हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो बछड़ी जो है या तो हिट पर ही नहीं आएगी, और हिट पर आएगी भी तो कंसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी बच्चेदानी का विकास नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर एक फार्मर गलती कर देता है, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। केवल 5 रुपये पर डे का आप यदि मिनरल मिक्सर अपनी बछड़ी को खिलाते हैं तो 150 रुपये जो है महीने का उसका मिनरल मिक्सर का खर्चा हो गया। तो एक बछड़ी का हम मोटा मोटा अंदाज़ा एक ले लेते हैं कि हमें 4500 से 5000 का महीने का जो खर्चा एक बछड़ी का आएगा, उसमें हम उसे मिनरल मिक्सर भी खिलाएंगे और फीड भी खिलाएंगे। उसके बाद सूखा चारा और हरा चारा, अगर आपके पास हरा चारा अवेलेबल है तो आप उसका भी खर्चा इंक्लूड कर लीजिए, वरना केवल सूखा चारा हो तो आप सूखा चारा जोड़ लीजिए। अब यह हो गया हमें जो मंथली हो गया 4500 से 5000 रुपये पर मंथ का एक बछड़ी का खर्चा आ रहा है, तो जो एक साल का खर्चा हो गया है वो हमारा हो जाएगा 60 से 65 हज़ार रुपये के आसपास। उसके बाद जो हमने 18000 का उसे 3 महीने तक दूध पिलाया वो भी हमें इसमें जोड़ा, थोड़े बहुत हम एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ते हैं, कभी मान लीजिए बछड़ी कभी बीमार पड़ गई, उसके ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा सा खर्चा लग गया, या कभी बछड़ी थोड़ी सी लेट हिट में आई है तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हमको और खिलाना पड़ गया, तो इसको सब मिलाते हुए हमें एक बछड़ी को तैयार करने में जो है 60000 से लेकर 80000 के बीच का खर्चा लग जाता है। वो यदि आप इतना खर्चा लगा देते हैं तो आपकी बछड़ी जो है 1 साल से 1.5 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी। पर यदि वहीं हम दूसरी तरफ जाते हैं कि हम बछड़ी तैयार कर रहे हैं पर हम उसे कोई फीड वगैरह नहीं दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो बिल्कुल लो क्वालिटी का दे रहे हैं, या उसके ऊपर हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, मात्र 1 से 2 हज़ार रुपये पर मंथ का उसके ऊपर हम फीड वगैरह में खर्चा कर रहे हैं और किसी चीज़ पर नहीं जा रहे हैं, तो वही बछड़ी आपको खर्चे में तो कम पड़ेगी कि आपको खर्चा तो लग रहा है, पर वो जो बछड़ी आपको 12 से 15 महीने में तैयार होने वाली थी वो बछड़ी कम से कम 3 से 4 साल लगा देगी आपके फार्म पर तैयार होने में। वहीं यदि हम 3 से 4 साल का खर्चा जोड़ेंगे तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक बछड़ी यदि 12 से 15 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है, तो वहाँ पर एक फार्मर को बहुत मुनाफा होता है। वहीं यदि वो बछड़ी जाकर आगे 3 से 4 साल लगा देती है तो फार्मर को नुकसान होने लगता है, क्योंकि आपको बछड़ी को बिना दूध के पालना है और उसके बाद उसको खिलाना भी है। भले ही आप उसे सूखे चारे से बड़ा करें, हरे चारे से बड़ा करें, या फीड से बड़ा करें, पर आपको उसको खिलाना तो पड़ेगा ही, सुबह भी खिलाना है शाम को भी खिलाना है। तो इससे अच्छा कि हम स्टार्टिंग में ही एक अच्छा खासा पैसा लगाकर बछड़ी को भी जल्दी तैयार कर लें, ताकि आगे चलकर वो खाली हमारे खूंटे पर ना बंधे रहे, आगे चलकर वो हमें दूध दे और हमारे घर की गाय बन जाए, जिससे कि जब वो फर्स्ट टाइम में जनेगी तो हमें कम से कम 20+ दूध देगी, और जब वो 20+ दूध देने पे आएगी तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, जब वो घर की ब्रीड आपके घर की ब्रीड बनेगी, आपका नस्ल जो आपकी फार्म की नस्ल सुधार होगी, तो उसमें एक फार्मर को बहुत खुशी भी मिलेगी और बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि बछड़ियाँ तैयार करनी हैं तो आपको ऐसा खर्चा ज़रूर से करना पड़ेगा जब जाके आप जो है ब्रीड पर काम कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें हमें जो है हर 3 महीने पर डीवर्मिंग की भी कॉस्ट आएगी, तो वो सारी चीज़ें हमने एक मोटा मोटा अंदाज़ लेकर आपको जो है 60 से 80 हज़ार के बीच का खर्चा बताया है। बिल्कुल हम एग्जैक्ट ना कम बताते हैं ना ज़्यादा बताते हैं, बिल्कुल एक मोटा मोटा अंदाज़ लेकर बताया है। हो सकता है कि इससे कम भी आपको लग जाए और इससे कम में भी आपकी बछड़ी जो है जल्दी से ग्रोथ करके जल्दी से कंसीव कर ले, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। पर अभी फ़िलहाल में जब हमारे पास जो बछड़ियाँ हैं हमें तो इतना खर्चा लग रहा है, क्योंकि इन्हें फीड खिलाना बहुत ज़रूरी है और फीड भी एक अच्छी कंपनी का खिलाना बहुत ज़रूरी है जब जाकर ये बॉडी वेट पकड़ती हैं, वरना हम एक लोकल फीड खिलाएंगे तो बछड़ियाँ फीड ही खाती रहेंगी और जो है बॉडी वेट नहीं लेंगी, तो जिसके कारण फिर ना हिट पे आएंगी और ना कंसीव कर पाएंगी।
तो इस वजह से स्टार्टिंग में ही आप एक अच्छी रकम लगा दीजिए ताकि आगे चलकर ये आपकी FD बने और जब ये FD पकेगी तो आपको बहुत फ़ायदा देकर जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द